इंशाल्लाह आज की क्लास में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में जाने से पहले फ्रिक्शन के एडवांटेजेस देखना है अपने को। थोड़ा एक बार एक प्रैक्टिकल देख लीजिए आप। फ्रिक्शन किसको बोलते हैं भाई? अगर हम कोई बॉडी को पुश करें, समझो दो बॉडीज है ना आपस में, सरफेस जहाँ पे मिलता हूँ, अब ये बॉडी को ये साइड पुश कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट में जो है एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता हूँ विच अपोजेस मोशन, है ना, जो उसका मोशन उसको रोकता फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इज़ द फोर्स विच अपोजेस मोशन, है ना। कोई भी बॉडी जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव होती है ना, तो उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेंगे? अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। अब इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं। अब देखिए, जैसा एक आदमी चल रहा, समझो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, तो इसके लेग्स में है ना, इसके फुट में और जो ग्राउंड है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता, उसकी वजह से वो चल सक रहा। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो गिर जाते। मिसाल तो भाई नीचे पानी है, समझो बहुत चिकना है, तो अक्सर पैर रखे तो गिर जाते। क्यों? वाटर की वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता, स्वास्थ्य से आदमी फ्रिक्शन फोर्स रहने से फिसल के गिर जाता। वैसे यहाँ पे देखिए, ये एक एग्जांपल हो गया है ना, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, ये क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। एस्ट्रॉइड्स किसको बोलते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते या कभी बड़े भी रहते, वो क्या होता है, अर्थ के साइड आते रहते। सपोज ये अर्थ के साइड आ रहे, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो ये बड़े बड़े पत्थर भी होते, कभी सीधा आके पत्थर जो है ज़मीन पे गिरते थे, लोगों का नुकसान होता था। लेकिन क्या हो गया, बीच में एटमॉस्फेयर रहता है, यानी हवा, हवा से जब ये टकराते तो हवा की फ्रिक्शन की वजह से, एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से एस्ट्रॉइड जो है ज़मीन पे गिरने से पहले जल के ख़त्म हो जाते, है ना। छोटे छोटे पार्ट्स आते, वो छोटे छोटे हो जाते, फिर धुआं होके या जल के ख़त्म हो जाते। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या है, एस्ट्रॉइड जो है ज़मीन में आने से पहले, ज़मीन पर गिरने से पहले वो जो है जल जाते। वैसे दो हैंड्स रब कर रहे, समझो अपन, तो हीट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। और ये एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, साइकिल का ब्रेक्स है, तो साइकिल के ब्रेक्स भी इस अगर फ्रिक्शन है बोल के अप्लाई कर सक रहे। फ्रिक्शन नहीं होता, एकदम चिकना होता तो फ्रिक्शन नहीं रहता तो ब्रेक्स नहीं लगते थे। वैसे आप लोग कभी दिखे होंगे गिन्नी में, जहाँ पे हम है ना गेहूँ पीसते ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ये मोटर के बेल्ट होता, बेल्ट से क्या होता, ये बेल्ट है, ये बेल्ट से जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करते मशीन में। अगर ये बेल्ट और ये मोटर के बीच में फ्रिक्शन है बोल के ये ऐसा गोल फिरता, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता, बेल्ट गोल नहीं फिर सकता। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र भी यूज़ होता है, यूजिंग बेल्ट्स बोलते हैं इसको, यूजिंग बेल्ट्स ऑफ मोटर। और ये लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, हम क्या करें, एक बॉडी को जो है हाथ में पकड़ रहे हैं, बुक को हाथ में पकड़ रहे हैं। अब बुक इसलिए पकड़ सक रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बॉडी जो है, ये बुक जो है हाथ में नहीं पकड़ सकते थे। तो दिस आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब उसके बाद प्रैक्टिकल देख लिए, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेजेस, है ना। पहले एडवांटेजेस देख लेंगे, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखेंगे। क्या है, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक, अभी देखें ना हम, ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक। वी कैन होल्ड एनी ऑब्जेक्ट इन द हैंड ड्यू टू फ्रिक्शन, अभी देखें ना हम, जैसे किताब हाथ में पकड़े। फ्रिक्शन इज यूज इन स्टॉपिंग ए व्हीकल एंड अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक्स भी क्या है, फ्रिक्शन की वजह से लगते। उसके बाद क्या है, दो हाथ हम रब करते तो क्या होता, हीट जनरेट होता, जनरेटिंग हीट व्हेन वी रब आवर हैंड्स, दिस इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन। और एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी पढ़ी ना भाई, ज़मीन पे गिरने से पहले वो बर्न होते हैं, क्यों, एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से। एस्ट्रॉइड्स बर्न इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द अर्थ ड्यू टू फ्रिक्शन एंड सेव्स लाइव्स ऑफ द अर्थ, अगर नहीं होता वो गिर जाते तो क्या होता, ज़मीन पर नुकसान होता था। फ्रिक्शन हेल्प्स इन राइटिंग ऑन द बोर्ड और बुक, फ्रिक्शन की वजह से पेन और बुक के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से लिख सकते हैं। मोटर ट्रांसफर एनर्जी बाय बेल्ट।